हेलो गेमर्स, आज मैं फिर से खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट। और आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं कुछ ऐसे टिकटॉक हैक्स जो कि आपके माइनक्राफ्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना, और अगर आपको ऐसे ही और भी हैक्स पता हो तो भी कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला हैक है उसके लिए तो माइनक्राफ्ट ने पहले से दे रखा है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को ऐसे ऐसे करके अलग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस पर क्लिक करके ऐसे अगर आप स्लाइड करोगे जहाँ पे भी बॉक्स बना है जिसमें जाएगा ब्लॉक, अगर आप ऐसे स्लाइड करोगे तो वहाँ पे अपने आप ही ब्लॉक आ जाएगा। तो इससे आपका जो टाइम होगा ना वो भी बच जाएगा। तो ये एक प्रकार से हैक है, और ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी को पता ही नहीं है, काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो और दूसरा ये है कि अगर आपको एक वही ब्लॉक एक ही जगह पे स्टैक करना है तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए बस आपको डबल क्लिक करना है जहाँ से आपको उसे स्टैक करना है। ठीक है, जैसे मुझे अभी इसे स्टैक करना है पूरी तरह से, तो मैं अभी इस पर डबल क्लिक करूँगा तो अपने आप ही सारे के सारे ब्लॉक एक ही जगह पे आराम से आ जाएंगे। तो अभी देखना, सी ये अपने आप ही एक ही जगह पे ब्लॉक्स आ चुके हैं। तुम्हारा नेक्स्ट हैक ये है कि आप काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे उनके हाउस की जो फ्लोरिंग है वो ब्लॉक से ही कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा वुड की ज़रूरत पड़ती है, फिर उस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप वैसा वुड का इस्तेमाल ना करके उसके स्लैब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपका दो गुना बच जाएगा ब्लॉक। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक्स रखे, कितना गया, सिर्फ 3। तो अगर इसी 3 ब्लॉक के हम लोग स्लैब्स बना देते हैं, तभी आप देखना, इसको मैं स्लैब बना देता हूँ अभी के लिए। और ये अभी हम लोग इसको 6 ब्लॉक तक फ्लोरिंग आराम से कर पाएंगे, और कुछ अलग भी नहीं दिखेगा, ऊपर साइड से सेम दिखेगा। इसके लिए भी आप 6 ब्लॉक इस्तेमाल करते तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ को। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी लोगों को अपने हॉर्स के लिए डायमंड आर्मर चाहिए होता है, लेकिन डायमंड आर्मर तो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। तो इसीलिए ये ट्रिक, ये यूज़फुल ट्रिक आपके लिए ही है, क्योंकि इस ट्रिक से आप अपने डायमंड आर्मर को डब कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने हॉर्स को, लेकिन हाँ उसके लिए आपको दूसरा हॉर्स फाइंड करना है, अपने हॉर्स को इसमें मारना पड़ेगा। तो अपने हॉर्स पर ये ट्राई मत करना, किसी दूसरे हॉर्स पर इसको ट्राई करना। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डायमंड आर्मर दे देना है इनको, उसके बाद आपको एक लूटिंग 3 की शॉट बनाने, क्योंकि आपको पता ही है कि लूटिंग 3 की शॉट से हमें कई बार काफ़ी सारी चीज़ें सब मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लूटिंग 3 की शॉट से इसको अगर मारेंगे तो ये डप हो जाना चाहिए। वैसे कभी कभी ये वर्क नहीं करता, क्योंकि लूटिंग 3 तो सिर्फ कभी कभी वर्क करता है। तो अगर इस बार ये वर्क नहीं करेगा तो मैं आपको नेक्स्ट भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो आप। चलो गाइस, मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। सी इस बार ये वर्क करना चाहिए, क्योंकि लूटिंग 3 अब कभी कभी नहीं वर्क करता है, तो वो मुझे नहीं पता। अभी इस बार देखते कि ये वर्क करता है कि नहीं। वैसे ये वर्क तो करता है, 100% कन्फर्म है कि ये वर्क करता है 1.17 में। तो इसको इस बार मैंने मारा, और आप देख सकते हो इस बार इसने वर्क किया, और यहाँ पे हम लोगों को दो हॉर्स आर्मर मिल चुके हैं डायमंड के। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आपके हॉर्स के लिए, आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको इसमें से एक भी हैक यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना कि क्या मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।